मुकेश जी, एक छोटी सी घटना से मैं आपको इसके समझा दूंगा। मेरठ या मुजफ्फरनगर की घटना से सॉरी, में विधायक उमेश मलिक गांव में जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वहां पे मारपीट होती है, गाड़ी तोड़ने की कोशिश होती है, स्याही फेल की जाती है। अगले दिन देश का कैबिनेट मिनिस्टर पंचायत करता है और कहता है कि कल से यहाँ कानून का राज होगा। तमाम मजाक उड़ती है कि कल से क्यों होगा, क्या आज कानून का राज नहीं है? मेरे ख्याल से 1 से 1.5 महीना हो गया, विधायक की गाड़ी पे हमला करने वाले लोगों को पकड़ने की पुलिस हिम्मत नहीं कर सकी। कम से कम 1 दर्जन जगह मैं ऐसी जानता हूँ जहाँ पे बीजेपी के लोग प्रचार करने गए और किसानों ने उनको दौड़ा लिया। उत्तर प्रदेश के एक राजमंत्री हैं, वो गए वहाँ पे दौड़ा लिया। 1 दर्जन से ज़्यादा गाँवों में मैं पिछले 2 महीने से घूम चुका हूँ। किसान उबल रहे हैं गुस्से के मारे। हम पत्रकार हैं, बंगाल में किसी पत्रकार पर जुल्म होता है हम वहां जा ना पाए, लेकिन संवेदना होती है कि हमारी बिरादरी के संग। इस किसान आंदोलन ने भारतीय जनता पार्टी का सारा समीकरण बिगाड़ दिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 45 सीटों पर सीधा असर डाला है। जाट समुदाय, गुजर समुदाय, मुस्लिमों के बीच में जो खाई थी वो खाई खत्म हो गई। पूर्वांचल पर बीजेपी का सारा फोकस करना उत्तर प्रदेश का खास तौर से ये दिखाता है कि पश्चिम का नुकसान वो पूर्वांचल से करने की कोशिश कर रहे हैं। रही बात आज के आपके सवाल के कि 3 किसानों का अगर वो विधेयक वापस ले लेते हैं, मैंने भी ये सवाल कई लोगों से पूछा, तब सवाल उठेगा कि अगर आपको ये वापस ही लेना था तो आप 700 किसानों की मौत का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये किसान आंदोलन के बारे में जो बातें फीड की गई हैं वो पहले दिन से की गई हैं। टिकट बीजेपी के आदमी हैं, टिकट बीजेपी के एजेंट हैं, ये मीडिया के एक बहुत बड़े तबके ने नहीं। संजय जी, हो सकता है पहले सरकार को ये अनुमान रहा हो कि ये किसान है, कुछ दिन में शांत हो जाएगा, थक हार के लौट जाएंगे, गर्मी नहीं झेल पाएंगे, कहां से इतना लंबा आंदोलन चलाएंगे, ये अनुमान हो सकता है सरकार ने लगाए हो, जो एक के बाद एक गलत साबित हुए हो। बदनाम करने की कोशिश, हथकंडे हर तरह के आजमाने की कोशिश, जब तमाम चीजें फेल हो गई हैं तब इस नतीजे पर पहुंच रही हो सरकार की, नहीं अब तो कुछ समाधान ढूंढना पड़ेगा, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। मुकेश, ये बात तब मानी जा सकती थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते और गृह मंत्री अमित शाह नहीं होते। ये दोनों नेताओं का जो आप पिछला राजनीतिक इतिहास देखेंगे, ये दोनों नेता बेहद जिद्दी हैं। जो फैसला एक बार कह दिया उन्होंने, जो अपने मुंह से कह दिया उस पर ये आमतौर पर वापस नहीं आते। पंजाब चुनाव में ये 3 बिल वापस लेके चुनाव जीत जाएंगे, इसकी भी कोरी कल्पना बीजेपी का कोई नेता नहीं करता। बीजेपी ये 3 बिल वापस ले लेगी तब भी वो पंजाब के संघर्ष में नहीं है, ये बात सभी जानते हैं। रही उत्तर प्रदेश की बात, तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपनी लेंथ तय कर दी है। आज अमित शाह के साथ टेनी महाराज मंच पर थे, जिस टेनी को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन खड़ा कर रहा, अमित शाह ने बराबर में खड़ा करके संकेत दे दिया कि वो किसानों से ज्यादा शायद ब्राह्मण वोटों की चिंता कर रहे हैं, तो लाइन खींची हुई है। तो किसान बिल को वापस लेके बीजेपी को बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है, क्योंकि किसान जिस गुस्से में है उस गुस्से से वो शांत हो जाएंगे, इसकी भी मुझे उम्मीद बहुत कम है। तो जो नरेंद्र मोदी की अमित शाह की जिद वाली राजनीति है वो इतनी आसानी से मैनेज होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि यह रास्ता निकाला जा सकता है, शायद कि कुछ दिनों के लिए जो स्थगित वाली बात है उस पर किसान यूनियन के नेता को मनाया जाए, किसी भी तरह से मनाना जाए। लेकिन जहां तक मैं टिकैत जी की बाकी संगठन की बात को समझता हूँ, उनकी साख पर भी सवाल खड़ा है। लखीमपुर में जिस तरह टिकैत जी ने आके समझौता कराया, तो तमाम लोगों ने टिकैत के नीयत पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिए कि आप सरकार से मिल गए हैं क्या, आप मीडिएटर हैं क्या। तो ऐसे में ये आंदोलन पहली बार देश में 10-15-20 साल बाद एक खड़ा हुआ है और टिकैत जी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया। वरना वो दिन भी हमको याद है, कुछ महीने पहले जब वो 26 जनवरी को झंडा फहरा दिया गया था, उसके बाद टिकैत जी को गाजीपुर बॉर्डर से हटाया जा रहा था। तो अगर वो रोते नहीं और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार लोगों ने उनके अभद्र भाषा करते हुए ट्वीट नहीं किए होते, तो शायद ये आंदोलन उस दिन टूट जाता, खत्म हो जाता। लेकिन जो सेंसिटिव जगाई लोगों में ये दिखाया कि हमारे नेता की, हमारे किसान नेता के लिए इन्होंने इस तरह भाषा का प्रयोग किया, जिंदा कर दिया उसने। तो मुझे नहीं लगता कि अगर ये आंदोलन वापस भी होगा, 3 बिल वापस हो जाएंगे तो आंदोलन। संजय जी, क्या आपके पास कोई ऐसी खबर है कि बीजेपी की कोई अंदरूनी रिपोर्ट या RSS का अपना कोई आकलन है कि किसान आंदोलन नुकसान पहुंचा रहा है, इस पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव को खतरे में डाल रहा है? क्या इस तरह का कोई अंदर खाने, आत्ममंथन, चिंतन, मनन पार्टी में हुआ है? जी बिल्कुल, मेरे पास पुख्ता जानकारी है। मेरे सोर्स के हिसाब से बाकायदा सर्वे हुआ है, सर्वे संघ ने भी कराया है, सर्वे बीजेपी ने भी कराया है, और सर्वे में साफ आता गई
कि इस आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ही नहीं बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। किसान आंदोलन ने वो मूल धारणा खत्म कर दी जो धर्म और जाति के बीच में बटी होती है, जातियां भी टूट गई हैं, किसान के नाम पर एक खड़े हो गई हैं। यही कारण है कि आज जो अमित शाह जी मंच पर आए हैं और जो भाषण की घोषणा करी है उन्होंने, तो वो जो पिछले कुछ महीने पहले विकास की बातें हो रही थी, तो आज सिर्फ मंदिर मंदिर और सिर्फ मंदिर। योगी जी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा, उनको समझ में आ गया है किसान आंदोलन से निपटने का एक ही तरीका है कि मंदिर, हिंदू, 370, इन चीजों को, थोड़ी भावना को तेज कर दिया जाए। अगर यही ट्रम्प कार्ड काम कर गया तो जातियों के गठबंधन टूट जाएंगे, किसानों का गठबंधन टूट जाएगा, वरना इससे निपटने की कोई रणनीति बीजेपी के पास नहीं है। ये बीजेपी को भी पता है और ये संघ को भी पता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।